वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ विपिन कुमार गुप्ता। आई एम द फैकल्टी ऑफ US अकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर। माई डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर वंस अगेन टू रीड द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक हॉर्नबिल, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, इज रिटन बाई द राइटर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। This chapter is all about extreme bravery and courage. In this chapter, we will come to know that if we have courage and we have determination enough, we can overcome any obstacle and problem in our life. This chapter is all about the family of Gordon Cook. The writer Gordon Cook decided for world voyage because he had come to know about the world voyage made by 200 years ago by Captain James Cook. It means the writer Gordon Cook ने डिसाइड किया वर्ल्ड वॉयज। वॉयज मीन्स द जर्नी थ्रू द वॉटर, थ्रू द सी, दैट इज कॉल्ड वॉयज। तो गॉर्डन कुक ने डिसाइड किया कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो 200 इयर्स एगो जो वर्ल्ड वॉयज किया गया था, वही सेम वर्ल्ड वॉयज के लिए गॉर्डन कुक ने भी, राइटर ने भी डिसाइड किया अलॉन्ग विद हिज फैमिली। Writer Gordon Cook along with his family. First of all, let us see who were in his family. Writer Gordon Cook, who was 37 years old, his wife named Mary, his son named Jonathan 6 years old, and his daughter Susan 7 years old. So 4 members were in his family. So writer decided to start his voyage from Plymouth, England, to world voyage, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So, writer first of all found one boat with which he had to start his voyage. The name of the boat was Wave Walker, his boat that was 23 meters long and was built with 30 ton wooden. And writer, when he started his journey, first he started going towards South Africa, Cape Town, and there he found two crewmen. My dear student, you know very well about the role of crewmen. Crewmen के बारे में आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेरे डियर स्टूडेंट्स। Crewmen जो कि बोट को कंट्रोल करने के लिए और किस समुद्र में, सी में किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तूफान आ जाए या कोई और प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए, क्रूमैन की जो रोल होता है बहुत ही वाइटल होता है। तो इसीलिए राइटर गॉर्डन कुक ने भी जब अपने वॉयज स्टार्ट किया वहाँ से, तो उन्होंने दो क्रूमैन लिया। फर्स्ट क्रूमैन नेम वॉज लैरी विजिल, हु वॉज एन अमेरिकन। लैरी विजिल वॉज एन अमेरिकन। एंड सेकेंड वन वॉज हर्ब सेजलर, हु वॉज अ स्विस। तो वन वॉज अमेरिकन एंड सेकेंड वॉज स्विस। नेम्ड टू क्रूमैन ही टुक, वन वॉज लैरी विजिल एंड सेकेंड इज हर्ब सेजलर। एंड फाइनली दे स्टार्टेड देयर वॉयज। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर जर्नी दैट वॉज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन, दैट पास्ड वेरी प्लीजेंटली। मीन ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर जर्नी दे डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ऑन द सेकेंड डे वेन दे स्टार्टेड ऑफ केप टाउन, they began to face strong gales. Gales, G-A-L-E-S, gales means strong wind.
बहुत ज्यादा तेज हवा अचानक से चलने लगती है ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। अचानक से बहुत तेजी से हवा चलने लगती है। ऑल्दो द राइटर गॉर्डन कुक सेड द स्ट्रॉन्ग विंड डिड नॉट वरी हिम बट द साइज ऑफ द वेव्स दैट वॉज वेरी डेंजरस। लेकिन जो वेव्स जो लहरें उठती थी दैट वॉज वेरी डेंजरस बिकॉज दैट वेव्स वर नियर अबाउट 15 मीटर एज हाई एज द मेन मास्ट। बहुत तेजी से समुद्र में लहरें अचानक उठने लगी, तूफान आने लगा, बहुत तेजी से हवा चलने लगी। बट स्टिल दे वर मूविंग फॉरवर्ड। ऑन 25 दिसंबर द राइटर शिप वॉज इन द साउदर्न इंडियन ओशियन 35 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन दैट इज इन साउथ अफ्रीका। द फैमिली सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन बोर्ड द शिप बिकॉज राइटर एंड हिज फैमिली दे वर थिंकिंग दैट दिस स्ट्रॉन्ग विंड विल गेट लेसर सून। दे वर फीलिंग दैट इट विल बिकम वेल नाउ बट दैट वॉज द रीजन दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे ऑन 25 दिसंबर एंड दे वर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। नेक्स्ट डे ऑन 2 जनवरी इन द अर्ली मॉर्निंग द वेव्स वर सो बिग सो हाई एंड वेदर बिकेम नॉट फेवरेबल फॉर देम एंड द वेव्स वर सो डेंजरस दैट द सेलर्स कंप्लीटेड लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन एंड लाइफ जैकेट। मीन्स अचानक से मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि बहुत तेजी से हवा चलने लगी, लहरें बहुत तेजी से उठने लगती हैं और अचानक से शाम को 6 बजे अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन। बहुत तेजी से अचानक से एक्सप्लोजन धमाका होता है और बादल जो फट जाते हैं एंड दैट सुक द वेव वॉकर। ऐसा लग रहा था वो बादल जो क्लाउड है सीधा जो वेव वॉकर से ही टकराता है। बहुत तेजी से जोर की आवाज होती है एंड द ऑथर वॉज थ्रोन ओवर बोर्डेड। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज वेन अनदर जाइजेंटिक वेव हिट इट टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन। राइटर को ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल शिप से बाहर फेंका जाए। इतना तेज से बादल का एक्सप्लोजन होता है, क्लाउड का एक्सप्लोजन होता है, बहुत जोर से आवाज होती है और बादल फट जाता है और पूरा पानी ही चारों तरफ भर जाता है। द ऑथर वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक। ऑथर जो राइटर होता है बहुत इंजर्ड हो जाता है। हिज हेड रिब्स जो बहुत तेजी से डेक से टकराते हैं और वो उसकी बॉडी ऐसा फील होता है कि पैरालाइज हो जाता है। लेकिन वो इतनी इंजरी के बाद भी राइटर उठता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लैरी एंड हर्ब जो कि दो क्रूमैन थे जो कि बहुत ही एक्सपर्ट क्रूमैन थे, अमेरिकन एंड स्विस लैरी और हर्ब क्रूमैन थे। दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। दे वर ट्राइंग टू पंप आउट द वाटर लाइक मैड मैन। लैरी और हर्ब जो कि बहुत ही एक्सपर्ट क्रूमैन थे, दे वर कंटिन्यूअसली पंपिंग वाटर आउटसाइड ऑफ द बोट। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स अ न्यू प्रॉब्लम इमर्ज्ड बिकॉज देयर हैंड पंप स्टॉप्ड वर्किंग। जो कि पंप से जिससे वो कंटिन्यूअस शिप में पानी भर गया था तूफान आने से और दोनों क्रूमैन जो थे पंप लगा करके कंटिन्यूअसली शिप से पानी बाहर निकाल रहे थे, अचानक से ही उनका जो हैंड पंप था वो खराब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है सर वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। बट फॉर्चुनेटली राइटर गॉर्डन कुक हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप दैट वॉज इन द चार्ट रूम। तो उसको फाइनली इलेक्ट्रिक पंप को लगाया जाता है और पूरी रात वे लोग पानी बाहर निकालने में बिजी रहते हैं। पूरी फैमिली उनकी राइटर और क्रू मैन जो थे वो लोग कंटिन्यूअसली पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। बट राइटर कुड नॉट डिसाइड वॉट टू डू बिकॉज वेन ही सॉ द सिचुएशन ही बिकेम वेरी मच स्केयर्ड। आफ्टर सम टाइम ही वेंट इन टू चिल्ड्रेंस केबिन बिकॉज राइटर वॉज वेरी मच वरीड अबाउट चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन दे वर नॉट देयर एंड वेन द राइटर वेंट इन टू चिल्ड्रेंस केबिन ही फाउंड सुजैन एंड जोनाथन हु आर जस्ट 6 एंड 7 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन। दे वर वेरी मच स्केयर्ड
And writer saw that Susan, who was injured, but still writer, when he saw their injured body, writer did not worry about that, because his first duty was to control the situation. And finally, writer left the children into their cabin and came out of the cabin and started thinking how to control the situation. And writer calculated and checked the chart and found that one Isle Amsterdam, that was a French scientific base, was their only one hope. Suzanne and Jonathan, who were injured, but they said that they were not afraid to die if they all can be together. Writer saw that Suzanne and Jonathan, who were very small children, but still they were not afraid of dying. They quoted that, "Father, we are not afraid to die if we can all be together." अगर हम लोग सब लोग साथ में हैं तो हम लोग मरने से नहीं डरते हैं. सच वॉज देयर करेज. दे वर वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस. सुजैन्स हेड दैट वॉज स्वोलन एंड सी हैड अ डीप इंजरी. सुजैन जो उनकी डॉटर थी, जो कि 7 ईयर ओल्ड थी, उसके सर में चोट लग गया था, फूल चुका था और बहुत ही डीप इंजरी हो गई थी. लेकिन फिर भी वो डर नहीं रही थी, घबरा नहीं रही थी, बल्कि अपने फादर से कहती है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. द राइटर गॉर्डन कुक बिकेम मोर डिटरमाइंड टू सी हिज चिल्ड्रंस करेज एंड फाइनली ही गॉट होप दैट वन आइल एम्स्टर्डम, दैट आईलैंड वॉज देयर ओनली होप. एंड फाइनली आफ्टर फ्यू मिनट्स राइटर टोल्ड द क्रूमैन टू डू द सेम एंड टू टेल देम to go towards Isle Amsterdam, that island, because he was just guessing to do so. And after that, writer went to sleep. At 6 p.m. in the evening, writer was got up by his children. They said they have reached Isle Amsterdam. And writer could not believe over his eyes. And when he came out of his cabin, he found that finally they reached Isle Amsterdam, a volcanic island, where they were welcomed by 28 inhabitants. Who were the inhabitants of that island? And in this way, we find that in the chapter, the collective strength and never-failing optimism of the sailors made it possible. It was the collective effort and courage of that team. It was the teamwork. Suzanne and Jonathan, who were very small children, who did not give any physical effort, but through their mind, they were giving mental support to the writer. Larry and Herb, who were crewmen, they were pumping like madmen. Writer and his wife Mary, they were also having hope that they will survive it anyhow. Though Jonathan and Suzanne did not do anything to save a worker, but their courage, faith and optimism gave extra strength and persistence to the narrator and his team. Really, it was all about teamwork and their dedication and determination that saved their life. And finally, they survived and reached Isle Amsterdam. In this way, my dear students, we have seen in the chapter that with our determination, teamwork and our courageous nature, we can survive everything. So I hope, my dear students, you have got the chapter well and you have got the substance of the chapter. In the end of the chapter, in the end of the video, you will find some of the important word meaning. So my dear students, again, we will meet in the next video. Thank you.